दोस्तों अगर आप रोहित शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों साउथ अफ्रीका की भारतीय टीम को पहले मुकाबले में 31 रनों से करारी मात दी है, जिसके बाद पूरे विश्व क्रिकेट में लगभग हर जगह भारतीय टीम की जमकर आलोचना हो रही है, क्योंकि भारतीय टीम के बल्लेबाजों ने एक बार फिर से अपने टेस्ट क्रिकेट के प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए पहले ओडीआई मुकाबले में भी बुरी तरीके से नाकाम रहे और उनके इस प्रदर्शन पर साउथ अफ्रीका के पूर्व महान खिलाड़ी एबी डिविलियर्स ने भारत के बेहतरीन बल्लेबाज रोहित शर्मा को याद करते हुए अपना एक बयान दिया है, जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कहा एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है एबी डिविलियर्स और रोहित शर्मा में से बेहतरीन बल्लेबाज कौन है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों सभी का ऐसा मानना है कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में आसानी से जीत हासिल कर लेगी, क्योंकि इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के वेदर इन गेंदबाज का कई सोरवाड़ा और एंड्रिक नोकिया इस सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीकी गेंदबाज थोड़ी कमजोर नजर आ रही थी, लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों ने भारतीय टीम के बल्लेबाजों को एक न चलने दी और 296 रनों के जवाब में पूरी भारतीय टीम महज 265 रन पर ही निपट गई, जिसके बाद भारतीय टीम को 31 रन से हार का सामना करना पड़ा और पूरे विश्व क्रिकेट में एक बार फिर से भारतीय टीम की बल्लेबाजी चर्चा का विषय बन गई। वहीं भारतीय टीम की हार के बाद साउथ अफ्रीका के पूर्व महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने रोहित शर्मा को याद करते हुए अपना एक बयान दिया है। जी हां दोस्तों, एबी डिविलियर्स ने अपना बयान देते हुए कहा कि अगर इस मुकाबले में रोहित शर्मा होते तो इस मुकाबले का नतीजा कुछ और ही होता, क्योंकि उनके न होने से भारतीय टीम के बल्लेबाजी बेहद कमजोर नजर आ रही थी और वो जब भी भारतीय टीम के इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं तो वो टीम के और भी ज्यादा बल्लेबाजों को लेकर चलते हैं, जिनसे बाकी के बल्लेबाजों को भी बल्लेबाजी करने में काफी मदद मिलती है, और वहीं उनके होने से भारतीय टीम के पास एक बेहतरीन कप्तान भी होता, क्योंकि इस मुकाबले में भारत के नए कप्तान केएल राहुल ने बेहद साधारण कप्तानी की, जिसकी वजह से भारतीय टीम को हार का इस तरह से खामियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों कहीं ना कहीं एबी डिविलियर्स को रोहित शर्मा के प्रति ऐसा बयान सही है, क्योंकि भारतीय टीम इस मुकाबले में अपने कप्तान रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरी सीरीज में भारतीय टीम को रोहित शर्मा की कमी बहुत ज्यादा खलने वाली है। हालांकि फिर भी अगले मुकाबले में भारतीय टीम के बल्लेबाजों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है साउथ अफ्रीका के साथ अगले ओडीआई मुकाबले में भारत के नए कप्तान केएल राहुल शतक लगाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।